नमस्कार दोस्तों, संध्या बेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम करौंदे के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो 250 ग्राम करौंदा ले लिया है, जिसको मैंने पानी में डाल दिया है, और थोड़ी सी मिर्ची को कट कर लिया है, दो नींबू, सरसों का तेल, धनिया, हल्दी पाउडर, राई, मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच और 1/3 चम्मच मेथी, और ये नमक स्वाद के अनुसार। हम इस करौंदे को पानी से निकाल लेंगे एक बर्तन में, और इसको कट कर लेंगे। ये ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए है। चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। गैस में पैन रख दिया है और गैस को तेज फ्लेम में चला दिया है, और कढ़ाई को गर्म हो जाने देंगे थोड़ी देर। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और हम इसमें डालेंगे धनिया। आप कभी भी अचार बनाए तो सब मसालों को अलग अलग ही भूनना है। धनिया हमारी भून चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे राई। धनिया में अच्छी खुशबू आने लगे तब उसे निकाल लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं है उसको पकाना है, थोड़ा सा सुनहरा सा हो जाए। ये देखिए अब हम राई को भूनेंगे। राई हमारी भून चुकी थी तो हमने उसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब डालेंगे इसमें जीरा, और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये जीरा हमारा भून चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे सौंफ, गैस को मंदी कर दिया है, सौंफ भी भून चुकी है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे मेथी दाना, इसे भी भून लेंगे थोड़ी देर तक। मेथी दाना भी भून चुका है, इसे भी एक प्लेट पे निकाल लेंगे। हमारे सारे मसाले भून कर तैयार हो गए हैं। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। पैन चढ़ा दिया है, वही वाला पैन है, पैन अभी गर्म है क्योंकि मसाला भी इसी में भूनी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, 2 चम्मच, और इसे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे मिर्ची जो कट करके रखी है, कर देंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। जब करौंदा और मिर्ची आधे पक जाए तब हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना आप स्किप भी इसे कर सकते हैं। मैंने 2 ही नींबू डाला है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जो कि बहुत ही कम लिया है, थोड़ा सा, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो ये लाल मिर्ची मत डालिए। इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लिया था हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए। गैस को मंदी रखा है, गैस तेज नहीं है। अब डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच नमक लिया था। इसे भी इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से। अब डालेंगे मसाले। मसाले हमने सारे इकट्ठे ही पीस लिए हैं, इसको छान लिया है छन्नी से, आटा छानने वाली छन्नी से, क्योंकि हमें मोटा मोटा नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक चाहिए मसाला, और इसे हम इसी में डाल देंगे। पूरा मसाला इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसे चला देंगे। अब इसमें तेल वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अचार पूरा पक करके और अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।